डॉक्टर शलभ बंसल, रेडियोलॉजिस्ट, जो 20 वर्षों से हेल्थ केयर में एक सुप्रसिद्ध नाम है, जिन्हें देश व विदेश में क्रॉस सेक्शनल इमेजिंग करने का अनुभव प्राप्त है, और अपने इसी अनुभव और एक्सपर्टीज के साथ डॉक्टर बंसल लेकर आए हैं एक स्टेट ऑफ द आर्ट डायग्नोस्टिक सेंटर। बड़ों को मशीनों द्वारा उत्पन्न अत्यधिक शोर से होने वाली दिक्कतों जैसे क्लॉस्ट्रोफोबिया व एंग्जाइटी को ध्यान में रखते हुए हमने एक हाईटेक ऑडियो विजुअल MRI सिस्टम लगाया है। टेस्ला इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक सेंटर मेरठ में मंगलवार को जन सुनवाई एक बार फिर से राजनीति का शिकार हो गई है। नगर निगम कार्यकारिणी के उपाध्यक्ष पार्षद रंजन शर्मा के नेतृत्व में सर्वदलीय पार्षद दल भाजपा को छोड़कर पार्षद शहर में जलभराव सड़क के गड्ढे भरने को लेकर धरने पर बैठे हैं, तो वहीं दूसरी ओर नगर निगम कर्मचारी अपनी मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि बाद में धरना समाप्त हो गया। नगर आयुक्त को ज्ञापन सौंप कर पार्षदों ने की है कार्यवाही की मांग। पीने का पानी साफ करो, साफ करो, साफ करो। पीने का पानी साफ करो, साफ करो, साफ। पार्षदों ने नगर आयुक्त मुर्दाबाद के लगाए नारे देखे। नगर निगम अधिकारी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नगर निगम जिंदाबाद, जिंदाबाद। धरने पर बैठे रंजन शर्मा ने यह जानकारी दी। क्या नाम है आपका और किसने धरने पर बैठा है? रंजन शर्मा, कार्यकारी उपाध्यक्ष नगर निगम, सर्वदलीय पार्षद दल का नेता भी हूँ। सर्वदलीय पार्षद दल में 50 पार्षद है हमारे साथ, उनका दल नेता हूँ। आज किस लिए धरने पर बैठना हुआ, आज क्या मांगे? नगर निगम की हठधर्मी, जो नगर निगम के अधिकारी गण है, कर्मचारी गण है, उनकी हठधर्मी की वजह से हमें धरना देना पड़ रहा है। नगर निगम सीमा के क्षेत्र में ना कोई सड़क सही है, ना कोई पानी की व्यवस्था सही है, नल बंद पड़े हैं, कोई रिबोरिंग नहीं है, सबमर्सिबल खराब पड़े हैं, किसी जन प्रतिनिधि की कोई सुनवाई नहीं है, रहकर में उल्टा सीधा टैक्स वसूला जा रहा है, भ्रष्टाचारी बढ़ रही है, म्यूटेशन में हम निरस्त कर चुके हैं, फिर भी जो है इन्होंने उस रसीद काटी जा रही है। जबरदस्ती अपनी हठधर्मी की वजह से नगर निगम जनता का जो है नुकसान कर रहा है, उत्पीड़न कर रहा है, उसके खिलाफ हमारा है। अगर जनता की आवाज उठाना अगर गलत है तो हम ये अपराध कर रहे हैं। अच्छा, नगर निगम का ये भी कहना है कि अब चुनाव नजदीक आ गए हैं, तभी इनको ये गड्ढे और पानी की शिकायत देख रही है, उससे पहले कहाँ? सही कह रही है, इन्हें साथ लेकर आप, नगर निगम अधिकारियों को साथ लेकर आप किसी भी रोड को, किसी भी शहर की नगर निगम सीमा की किसी भी रोड पर, किसी भी सड़क पर आप जाकर देख सकते हैं कि हम पार्षद चुनाव की वजह से कर रहे हैं या जनता की वजह से कर रहे हैं। ये पानी नगर निगम की सप्लाई का ही पानी है, इसे आप देख सकते हैं। अगर जो ये चुनाव की वजह से है तो नगर निगम के अधिकारीगण इसे पी लें, तो जनता पी रही है। इनका क्या ये, तो ये चाहते हैं कि पब्लिक का कोई काम ना हो, यहाँ ट्रेनिंग सेंटर खोल रखा है IAS के लिए, नगर निगम जो है IAS का ट्रेनिंग सेंटर खोल दिया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने, एक अरविंद चौरसिया जी थे वो बने DM लखीमपुर के, मनीष बंसल जी जो संभल के बन गए हैं, उनकी वाइफ जो हापुड़ की बन गई है, अब ये भी प्रतीक्षा रहते हैं, ये भी जो है DM बनेंगे कहीं के। जनता का काम ना करना और अपनी उपलब्धि आगे लेकर चले जाना, इनका यही नगर निगम का जो अधिकारियों का काम है। कब तक ये धरना? अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो एक धरना जो है अनिश्चितकालीन चलेगा, परसों से धरना अनिश्चितकालीन हो जाएगा। हर वार्ड में हर क्षेत्र में मुख्य चौराहों को जाम किया जाएगा जनप्रतिनिधि द्वारा, जनता द्वारा। इसकी पूर्णतः जिम्मेदारी नगर निगम प्रशासन व शासन की होगी, हमारी कोई जिम्मेदारी ऐसी नहीं होगी। जब जनता के काम नहीं होंगे, जनता को सुविधाएं नहीं दे सकते, तो उनसे काहे का टैक्स वसूल रहे हो? सरकार की मंशा बिल्कुल साफ है, शासन की मंशा जो है गलत है, ठीक नहीं है। जनता को सुविधाएं ना देकर उनकी जेब से पैसा ऐंठने का काम
नगर निगम कर रहा है। चल भरा से मुक्ति दो, मुक्ति दो। इस खबर में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए fastbite.tv। नमस्कार। द गॉड्स पैलेस रिजॉर्ट, गंगा फेसिंग रेस्टोरेंट, पार्टी हाउस, डेस्टिनेशन वेडिंग, 12,500 स्क्वायर फीट में बिना पिलर बना भव्य हॉल, शानदार समारोह के लिए शानदार वेन्यू, हर किसी की पहली पसंद, निकट नानू की नहर, कावड़ मार्ग, सरधना, मेरठ।